इज इट उर्फी? या आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ बैन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बैन। उर्फी जावेद, एक ऐसा नाम जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अपने अजीब अजीब कपड़ों की वजह से काफी फेमस हो चुके हैं। उनके फैशन सेंस की वजह से ही उनकी स्टोरी आज हमारे पास चर्चे का विषय हो चुका है। उनके कपड़े और ड्रेस के लिए वो सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोल भी हो चुके हैं। क्या आपने कभी सोचे हैं कि क्यों उर्फी इसी तरह के ड्रेस पहनते हैं? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये तो फैशन है, पर असल में ऐसा नहीं है। और इसके पीछे सिर्फ उर्फी का ही नहीं, बॉलीवुड के भी कुछ काले रहस्य छुपे हैं, और वो सब क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उर्फी के असली राज जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1997, 15 अक्टूबर, उत्तर प्रदेश की एक इस्लाम परिवार में उर्फी का जन्म होता है। कहने में तो वो एक मुस्लिम है, पर आज भी इस बात को वो नहीं मानते। और सिर्फ यही नहीं, आज भी उर्फी इस धर्म के सख्त खिलाफ है। उर्फी बताते हैं कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां महिलाओं के सम्मान ना के बराबर है। उर्फी के अलावा उसकी तीन बहन और एक भाई है। उर्फी के फैमिली के हालात कुछ खास नहीं थी, इसीलिए फैमिली के सबसे बड़े होने के नाते प्रेशर सबसे ज्यादा थी उर्फी के ऊपर। उर्फी आज भी बताते हैं, जब वो एक्ट्रेस होने की इच्छा जाहिर की तो उसके सभी फ्रेंड ने जमकर उसकी मजाक उड़ाई। और इसके अलावा उनकी पेरेंट्स ने कहा कि अगर एक्ट्रेस बनना है तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। और यहां से ही शुरू होता है उर्फी का असली स्ट्रगल। साल थी 2012 जब उर्फी का एक फोटो पोर्न साइट पे लीक हो गई। एंड आई एम लाइक, मेरी गलती क्या है? व्हाई इज नो वन, जिसने ये किया है, जिसकी एक्चुअली गलती है, तो आई वाज लाइक, मेरी क्या गलती है भाई? मेरी पिक्चर अगर उठा, चलो ठीक है, मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैं मानती हूँ। कहा जाता है वो फोटो फेसबुक में डाली गई थी, पर उर्फी के कॉलेज के कुछ दोस्त मिलके ये कांड किया था। बाद में उस दोस्तों को इस कांड की वजह से जेल भी जाना पड़ा। पर उर्फी का क्या, इसके लिए उसके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। और यहाँ से शुरू होता है उर्फी का बॉलीवुड। कुछ दिन लापता रहने के बाद साल 2016 में उर्फी को अपनी पहली सीरियल पे काम करने का मौका मिला। ये सीरियल पे आने के लिए उर्फी एक साल से स्ट्रगल कर रही थी। इसके बाद उर्फी को लगातार सीरियल्स और शो आने लगी, जैसे मेरी दुर्गा, चंद्र नंदिनी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पर इससे उर्फी को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। पर 2021 में बिग बॉस से उर्फी की लाइफ बिल्कुल बदल गई। सलमान खान के ये शो उर्फी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उर्फी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद लगातार उनको सीरियल्स और टीवी शो में काम करने का मौका मिला, और वो शो सुपर डुपर हिट जाता रहा। कहा जाता है जब कोई इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो उनके पास सब कुछ होते हैं, और उर्फी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मशहूर होने के चलते उनके पेरेंट्स उनके साथ रहने लगे। पर एक बात तो मानना पड़ेगा कि उर्फी के बाप कुछ हद तक पागल टाइप के हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पे वो बार बार ट्रोल होते रहते हैं। बॉलीवुड में कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है जो आम पब्लिक को कभी पता नहीं चलता, पर उर्फी ने कुछ घटनाओं का खुलासा करी है। जैसे कि एक इंटरव्यू में उर्फी ने बताया, जब वो मॉडल थी तब उस प्रोजेक्ट का कास्टिंग डायरेक्टर यानी ओबेदा फ्रीति ने उर्फी से काम करवाई और बदले में पैसा नहीं दी। उर्फी ने यह भी बताया कि ओबेदा फ्रीति ने उनसे फिजिकल हेल्प भी मांगी, और इसके खिलाफ कुछ स्टोरीज भी सामने आए हैं जो आप खुद स्क्रीन में देख सकते हैं। कई बार उर्फी जावेद सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। चलिए जानते हैं विवाद पर वो कंट्रोवर्सी सेलेब्स का क्या कहना है। ये ट्रोल, कंट्रोवर्सी और इस अजीब अजीब कपड़ों की वजह से 90% लोग उर्फी को पसंद नहीं करते, और इसके लिए न्यूज में कभी कभी भारी स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। पर इससे उर्फी को कुछ फर्क नहीं पड़ते। एक इंटरव्यू में वो बताया है कि अगर कोई मुझे और मेरे कपड़ों को पसंद नहीं करते हैं तो उसे मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। पर उनके ऊपर इतना हेट होने के बाद भी वो बहुत सी काम कर चुके हैं। अगर उनकी एल्बम्स की बात करें तो उर्फी पंजाबी म्यूजिक में भी काम कर चुके हैं, जैसे कि 2021 में चट सोड़िए, 2022 में क्रेजी और बेफिक्र जैसे सॉन्ग। उर्फी हॉलीवुड के केंडल जेनर और बेला हड्डी के आउटफिट से काफी इंस्पायर्ड हैं। उर्फी को देख के पता चलता है कि उनकी फैमिली कैसा हो सकता है। बात करें उनकी अजीब फैमिली की, तो आज के टाइम पे उनकी पापा दूसरी शादी भी कर चुके हैं। माना जाता है कि इन दिनों में उनकी फैमिली के साथ उर्फी का रिश्ता अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं उर्फी के संपत्ति के बारे में। आज के टाइम पे एक शो करने के लिए ये 35 से 40 हजार तक चार्ज करते हैं। एक दिन के सीरियल करने के लिए 20 से 25 हजार तक चार्ज करते हैं। आज के समय पर इनका नेटवर्थ है 5 से 6 करोड़ रुपए। अगर इनकी कार कलेक्शन देखा जाए तो इनके पास जीप कॉम्पैक्ट जैसे कार मौजूद है। दोस्तों, उर्फी का लाइफ एक हर दूसरे बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह नहीं है। बचपन से लेकर करियर तक काफी उतार चढ़ाव आए हैं उर्फी के लाइफ में। पर जो भी हो, उर्फी हर दिन उल्टी सीधी कारनामे करके हमें बहुत ज्यादा हंसाते जरूर है। दोस्तों, उर्फी जावेद और उनकी ये अजीब ड्रेसअप सीन्स में आपका राय क्या है, हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं जल्दी कोई ऐसी नई टॉपिक के साथ।